हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सेंटर में। तो बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीट पूरा क्लास देखना है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि मुल्क के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा साथियों। देखिए, मुल्क एक खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा साम्राज्य। याद रखिए, मराठा साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे देखिए, दिन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था। पहली बात तो ये कि आपको ये याद रखना है कि दिन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था। तो देखिए, इसको अकबर ने स्टार्ट किया था साथियों, अकबर ने इसको शुरू किया था। और इसको सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था, तो याद रखिएगा बीरबल ने। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीरबल। याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर को किसने हटा दिया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, ठीक है, हिंदुओं पर से जजिया कर को किसने हटा दिया था, तो जहांदर शाह ने। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सूरदास किसके शिष्य थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सूरदास ये किसके शिष्य थे साथियों, तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य के। आगे देखिए, पद्मावत की रचना किसने की है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, पद्मावत की रचना किसने की है, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, यानी संगम काल में पिल्लई किसको कहा जाता था। तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र को। आगे अगला क्वेश्चन है, जूना खां किस राजा का असली नाम था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा साथियों, जूना खां ये किस राजा का असली नाम था। तो देखिए, राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन, माफ करना, जूना खां जो है ना, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक का। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीकरण कब किया था। देखिए, मुगल शासक अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण 1570 में किया था, ऑप्शन नंबर बी 1570। थिपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, थिपुसम नामक त्यौहार जो है साथियों, ये किस समुदाय के द्वारा, तो तमिलों के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना, तमिल समुदाय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है। तो याद रखिए, मड़ई त्यौहार जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों का एक त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला है, चीन में सुई जियो बाबा के रूप में जारी इन फिल्मों में से कौन सी विदेशी फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। तो याद रखिएगा, दंगल। देखिए, आमिर खान का साथियों, ये दंगल मूवी आपने देखा होगा, ये चीन में सुई जियो बाबा के नाम से जारी हुआ था, याद रखना। अगला, कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र रासमेरी और परशुराम की प्रतीक्षा किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो कुरुक्षेत्र रासमेरी और परशुराम की प्रतीक्षा ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। मालवा, महा और दोबा क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है। तो याद रखिए, मालवा, महा और दोबा जो है ना साथियों, ये पंजाब राज्य का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाने वाला कड़ा हुआ कांच है, इनमें से कौन सा एक ग्लास है जो कि स्मार्टफोन में प्रयोग होता है, तो गोरिल्ला ग्लास आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बिहार से तिहार इस पुस्तक के लेखक है कन्हैया कुमार, ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया कुमार करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1860 में भारत में आयकर को पेश किया था। तो 1860 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत में आयकर पेश किया था, राइट होगा सर जेम्स विल्सन ने, ऑप्शन नंबर डी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो साथियों देखिए, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। और याद रखना, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला है, कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में शामिल हैं। देखिए, जो कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं वो कौन से प्राणी संघ में शामिल होते हैं, तो संघ मोलस्का में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, बैंक के बेड एडवांस को क्या कहा जाता है।
तो साथियों बैंक के वेड एडवांस को ओवरड्रॉन खाता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रुपये नामक शब्द से हुई है? तो याद रखिए, रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह संस्कृत के रुपये नामक शब्द से हुई है, संस्कृत भाषा के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के आर्थिक क्षेत्र, देखिए जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने साथियों याद रखिएगा डॉब्स नामक एक योजना बनाई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइजक न्यूटन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1442 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है? देखिए तो फाइजर भी साथियों औषध निर्माता कंपनी है, जाइडस कैडिला भी है और निकोलस पिरामल भी है, सेवरन जो है ये औषध निर्माता कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों 2 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोआला नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? तो देखिए कोआला नामक जंतु जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए, माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल करके रखा है, किस देश में स्थित है ये? तो याद रखिए चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला, इनमें से कौन खिलाड़ी प्रो मुक्केबाजी हैट्रिक स्कोर करने वाले प्रथम भारतीय बन गए? तो इनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं जो प्रो मुक्केबाजी में हैट्रिक स्कोर करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र सिंह, याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मड्रेका कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखिए मड्रेका कप का संबंध जो है वो किस खेल से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों डबल फॉल्ट शब्द जो है ना ये टेनिस के खेल में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी टेनिस करेक्ट होगा। अगला, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा अंकिता रैना का संबंध जो है इनका भी संबंध टेनिस से ही है, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक इनमें से कौन है? देखिए फ्लाइट इनटू फियर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। देखिए नेक्स्ट है, ओपेक का पूरा नाम क्या है या ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कर्नल क्लाइव को ठीक है गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? देखिए कर्नल क्लाइव ने जो है ना गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मीर जाफर। आगे देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। चलिए आगे देखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो याद रखिए देखिए नवीन चंद्र सेन ने, माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से किसने पुर्तगालियों से सॉलसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम ने। अगला, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो देखिए मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छात्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो देखिए शिवाजी के बाद दूसरा छात्रपति कौन बना था? तो याद रखिए संभाजी, और दूसरा पेशवा कौन बना था? तो कवि कलश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम कौन थी आपसे पूछा जा रहा है? तो देखिए हमीदा बानो बेगम ये अकबर की माता थी, ऑप्शन नंबर बी अकबर की माता। अगला, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था?
साथियों देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरा अस्था, यानी अभी दिल्ली दूर है, इस कथन को किसने कहा था, किस संत ने कहा था, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी शेख निजामुद्दीन ओलिया ने। आगे देखिए महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो साथियों महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर में, याद रखिए पंढरपुर ऑप्शन नंबर भी राइट है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो देखिएगा विजयनगर के उस पहले शासक कौन है जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। अगला, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो साथियों देखिए भारत में अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, ये सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है, तो देखिए भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान था, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो भाई याद रखिएगा साथियों, देखिए संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो M.N. रॉय ने, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।